हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। भाई आज काफ़ी रात हो चुकी है, अब मैं निकलूंगा घर से बाहर। मैं सुबह से व्लॉग नहीं बनाता हूँ क्योंकि अगर मैं घर पे होता हूँ तो मैं व्लॉग शूट नहीं करता हूँ। खाना पीना हो गया है तो बस अभी निकल रहे थे कुछ बाहर भी खाने के लिए, थोड़ी आउटिंग करने के लिए। और घड़ी का स्ट्रैप भी चेंज किया मैंने आज, तो 8 बज चुके हैं अभी। तो चलो अभी निकलते हैं यहाँ से। मेरा टोटली आज दिन का सारा काम हो गया है, बीच में कहीं गया था, व्लॉग शूट नहीं कर पाया, तो अभी निकलते हुए करते हैं। मैंने कहा कि रात को ही जब मैं जाता हूँ ना, नहीं तो ही करता हूँ, और सब डन है। तो चलो ब्रो बने रहना वीडियो में मेरे साथ। और यार सब्सक्राइब कर दिया, और यार बहुत दिक्कत होती है यार, ठीक है ना प्लीज़। पहले हम अपने फ्लोर से आते थे ग्राउंड फ्लोर पे, रिसेप्शन को देखते हुए, सारे हमें देखते थे, अपने देखते हुए जाते थे, और हम सिर्फ लिफ्ट से उतरते ही सीधा बेसमेंट पार्किंग में आ जाते हैं। तो आना पड़ता है तो आ जाते सीधे पार्किंग, तो हम पार्किंग में आ जाते हैं डायरेक्ट। तो चलो अब निकलते हैं यहाँ से। वैसे एक्चुअली मैं नहाया अभी हूँ, नहा धो के अभी निकला हूँ। तो हम गए थे पहले खाने के लिए पंजाब, ओ इंडिया वाला पंजाब नहीं, पंजाब रेस्टोरेंट है, बहुत ही टेस्टी फूड मिलता है। आपने मेरी किसी वीडियो में देखा भी होगा, बहुत अच्छा फूड मिलता है। पहले वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे बातचीत बनी नहीं, तो हम ने पेट्रोल भी डलवाना था गाड़ी का, तो भाई पेट्रोल डलवाया। पेट्रोल में ना कुछ दिक्कत आ रही है इसकी, उस सुई में वो ना अपनी होती, दिखाता नहीं कि कितना पेट्रोल डला है, और कुछ दिरम नहीं वो बंद हो गई अपने आप ही। फिर हमने उसको बड़ा दोबारा डाल भाई, फिर हमने बंद करके गाड़ी फिर ऑन की, फिर शो करने लग गया। फिर जाके कुछ 55-56 लीटर तेल डला, ऑलरेडी 10-12 लीटर होगा अंदर। तो बस उसके बाद यार कहीं मिला नहीं। आज काफ़ी फुल था हर जगह पे, क्योंकि यार अब टूरिस्ट आने स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे हम भी हैं, तो हर बंदा आ रहा है यहाँ पे घूमने के लिए। तो हमने यार सोचा कि चलो खाने की कोई जगह नहीं मिली, रेस्टोरेंट की लाइन सारी फुल थी, अपने गाड़ी निकाली वहाँ से, फिर हम आ गए हैं। आपने ये भी वीडियो देखी होगी, ये जो पुरानी दुबई है वहाँ पे अब हम जा रहे हैं। देखो खाने के लिए हो सकता है चौकी ढानी में कुछ मिल जाए, मैंने कभी नहीं खाया चौकी ढानी में, मैंने बाहर से देखा, तो आज टेस्ट करते हैं चौकी ढानी का कैसा होता है, कैसा टेस्ट है। मुझे पता है यहाँ पे आके ना बड़ा लाइवली सा फील होता है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके, देखो बहुत अच्छा लगता है। मतलब आज यहाँ पे रश थोड़ा कम है लेकिन बढ़िया लग रहा है, मतलब व्यू बहुत अच्छा है यार, जो भी बोलो एक अच्छा। तो चलो हम चौकी ढानी चलते हैं, कुछ खा पी के फिर मैं बात करता हूँ। यार आज भूख भी बहुत लग रही है, पता नहीं क्या हो गया। ये जो ढोल नगाड़े सुन रहे हो ना, जिनकी आवाज़ सुन रहे हो आप, ये चौकी ढानी है। देखो देखो आते ही डांस करने लग जाते हैं। हमने एंट्री कर लिया चौकी ढाणी में भाई, स्वागत तो बड़ा ताबड़तोड़ हुआ, रे मजा आ गया स्वागत का। ओहो भाई जबरदस्त, क्या व्यू है सामने, ओए होए क्या बात है, पानी ही पानी, पानी ही पानी। ये आउटलाइन है, ये इसके अंदर का है। अच्छा ये ब्लैक छपेगा, इसको पहले प्रिंट होगा, ये दूसरा कलर हो जाएगा। अच्छा ऐसा होगा भाई, क्या यार आपकी आर्टिस्टी है ना, क्या कर रहे हैं जबरदस्त यार, बढ़िया कारीगरी है, ये भी सारी कारीगरी चल रही है यहाँ पे, दरियां दुरियां बन रही हैं यहाँ पे। पहले हम नीचे गए थे, नीचे कह रहे बफे है, बफे हमने खाना नहीं है, हमने सिलेक्टेड चीजें खानी है, जो दिल करेगा वही खाएंगे। कुछ कुछ हो रहा है भाई। ये क्या भैया? अच्छा मिट्टी का बनता है ये, सारा मिट्टी का सामान बन रहा है। सिंगर लगे हुए हैं गाने। पहले हम यहाँ चले गए थे, यहाँ सारा बफे है, हड्डी के आभूषण, बोन ज्वेलरी, ये सारे हड्डी के आभूषण है। ये किसकी हड्डी? ये टेबल है, ऊन की। अच्छा
कैमल कैमल की हड्डी क्या बोलते हैं। आज मैंने सोचा था मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा, लेकिन हम आ गए चौकी रानी। तो भाई अब तो खाना बनता है दाल बाटी चूरमा, फिर बनाएंगे चूरमा। हम जहाँ जाते हैं ना बर्थडे होता ही होता है। उस दिन पिज्जा हट गए थे वहाँ बर्थडे, एक जगह और गए थे रसोई घर वहाँ भी बर्थडे, आज यहाँ आए हैं यहाँ भी बर्थडे। भाई बर्थडे ही बर्थडे। ये बाहर से व्यू है, मैं क्या दिखा दूं आपको कितना अच्छा लग रहा है। अभी तक भाई मैंने खाना स्टार्ट नहीं किया था, मैंने कहा पहले दिखा दूं व्यू आपको बाहर से फिर खाना स्टार्ट करूंगा। चलो देखते हैं भाई। सब्जियां तो काफी सारी आ गई थी, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ पनीर और मिस्सी रोटी खाई, पनीर और मिस्सी रोटी खाई और कुछ नहीं खाया। दाल बाटी चूरमा बस सिंपल ही खाया मैं, ज़्यादा यार इतना मिक्सचर ना सही नहीं है, बट अच्छा था ठीक था। पेट ज़्यादा ओवर हो गया यार, दो तीन बार मंगा लिया था पनीर तो मैंने। हम आ गए हैं घर, टिड्डी आज ही चेंज की थी मैंने, ऑरेंज लगाई थी आज मैंने। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट नए ब्लॉग में। आज मैंने रात को स्टार्ट किया था व्लॉग, तो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, व्लॉग छोटा ही होगा, लेकिन एक अब मैं स्टार्टिंग से कर दिया करूँगा, कल से ना शुरू से ही स्टार्ट कर दिया करूँगा सुबह से। सुबह यार बस मेरा ऐसा हुआ कि घर पे थे इसलिए मैंने स्टार्ट नहीं किया। तो चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, भूलना मत यार मेरी मोटिवेशन के लिए, प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को ना हिट कर दो, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, प्लीज़ यार करो, टाइम आएगा अपना भी बट आप सपोर्ट करो यार तभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्ण।